सो हे गाइस, विंग म्यूजिक ने यहाँ पर इतना कुछ लॉन्च कर दिया है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए कि आप सिर्फ यही कहोगे मजा आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इस टॉपिक पर पूरे YouTube पर पहली और एक्सक्लूसिव है, तो यार इस बात के लिए तो लाइक जरूर से बनता है। अब मैं आपको बता दूं कि विंग म्यूजिक ने ऐसा क्या क्या लॉन्च कराया, ऐसे क्या क्या फीचर्स लॉन्च करे हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। देखो, सबसे पहला फीचर ये है कि यहाँ पर फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन विंग म्यूजिक के थ्रू यहाँ पर अवेलेबल कर दिया गया है विंग म्यूजिक की तरफ से, यानी कि अब आप विंग म्यूजिक से ही फ्री में म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपको कोई और वेबसाइट के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कराने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपका म्यूजिक जो है वो सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पर यह कि आर्टिस्ट प्रोफाइल, अगर आपकी विंक म्यूजिक पर आर्टिस्ट प्रोफाइल नहीं है या फिर है, अगर नहीं है तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल कर दिया गया है। एंड अगर आपकी आर्टिस्ट प्रोफाइल पहले से है तो आप उस प्रोफाइल को कैसे क्लेम करोगे, एंड आर्टिस्ट प्रोफाइल के साथ साथ आपको आर्टिस्ट वेरिफिकेशन भी विंक म्यूजिक पर यहां पर मिलेगा। एंड थर्ड चीज हमारी यहां पर ये आती है कि आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड आपको अवेलेबल किया जाएगा जहां से आप अपने सॉन्ग को रिलीज कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, एंड जो भी आपकी अर्निंग्स है एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं सॉन्ग से रिलेटेड या फिर अकाउंट से रिलेटेड, वो आप सारी उसी डैशबोर्ड के थ्रू यहां पर सॉल्व कर पाओगे एंड मैनेज कर पाओगे। फिर यहां पर हम बात करते हैं कि लिरिक्स अपलोडिंग का फीचर भी यहां पर विंक म्यूजिक ने आपके लिए अवेलेबल कर दिया, यानी कि जब आप विंक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा लिरिक्स को अपलोड करने का। जैसे आपने देखा होगा किसी भी एप्लीकेशन में जब आप कोई सॉन्ग को प्ले करते होंगे तो वो सॉन्ग के साथ साथ उसकी लिरिक्स भी जो है वो सिंक होकर चलती होंगी, या फिर आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी देखा होगा जब आप अपना स्टेटस या स्टोरी लगाते हैं तो वहां पर आपको लिरिक्स का ऑप्शन भी आता है, यानी कि आपके साथ साथ जैसा गाना चलेगा वैसे ही उसकी लिरिक्स यहां पर चलती रहती हैं, तो वो भी आपको लिरिक्स अपलोडिंग का ही इसी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड अगली चीज आती है यहां पर मोनेटाइजेशन, यानी कि जितने भी प्लेटफॉर्म पर आपका सॉन्ग अपलोड होगा उन सभी का आपको रिवेन्यू आपके डैशबोर्ड पर मिलेगा, उसका मोनेटाइजेशन का प्रोसेस वहां पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंड जितने भी उस पर व्यू के हिसाब से आपका रिवेन्यू आपके डैशबोर्ड पर यहां पर शो हो जाएगा। एंड अगली चीज आती है यहां पर हेलो ट्यून की, यानी कि विंग म्यूजिक के थ्रू आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको हेलो ट्यून भी आपके सॉन्ग को इनेबल करने के लिए मिलेंगे, यानी कि आपने आप कोई भी अपना सॉन्ग अपलोड किया तो आप उसकी हेलो ट्यून भी वहां पे इनेबल कर पाओगे कि किस एरिया में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, किस एरिया को सॉन्ग के अंदर आपको अपना हेलो ट्यून जो है वो बनाना है। फिर मैं बात करता हूँ कंटेंट आईडी आपको यहाँ पर इसके अंदर नहीं प्रोवाइड की जाएगी। भाई अब आप ये सोचोगे कि अगर इसके अंदर कंटेंट आईडी हमें नहीं मिलेगी तो यूट्यूब पर हमारा सॉन्ग लाइसेंस के अंदर कैसा आएगा। कंटेंट आईडी, जिन्हें नहीं पता मैं पहले बता देता हूँ, कंटेंट आईडी बोलते हैं आपके सॉन्ग के लाइसेंस को, यानी कि अगर यूट्यूब पर आपने किसी भी बड़े लेवल का म्यूजिक देखा होगा तो अगर आप उसको अपने चैनल पर इनेबल करोगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा क्योंकि उस पर लाइसेंस इनेबल होता है। तो अगर विंक म्यूजिक आपको कंटेंट आईडी नहीं देगा आपके सॉन्ग पर तो आपका सॉन्ग अगर कोई और अपलोड करेगा तो क्या उसको कॉपीराइट क्लेम नहीं जाएगा? तो मैं आपको इसका एक साफ साफ आंसर यहां पर बताना चाहूंगा। विंक म्यूजिक आपको कंटेंट आईडी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन कंटेंट आईडी जिस सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, यानी कि MCN सिस्टम के ऊपर जब वर्क करती है कंटेंट आईडी, उसी सिस्टम में आपका चैनल ऑटोमेटिकली विंक म्यूजिक यहां पर डाल देगा, यानी कि आपका चैनल MCN के अंदर चला जाएगा विंक म्यूजिक के अंडर में, ठीक है। और कोई अगर और दूसरा बंदा आपके सॉन्ग को कहीं पर भी अपलोड करेगा तो उसको कॉपीराइट क्लेम जाएगा क्योंकि कंटेंट आईडी आपको नहीं दी गई है, आपका चैनल ही MCN के अंदर ले लिया गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर अर्निंग्स, यानी कि जितनी अर्निंग्स आपकी और डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से या फिर लेबल से होती हैं उससे ज़्यादा आपको विंक म्यूजिक यहाँ पर पे करेगा अगर आप इनके थ्रू अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो। मैं आपको बता दूं कि इनका जो अभी करंटली वो है ना पर व्यू के हिसाब से आपको 3 पैसे जो है पर व्यू 3 पैसे के हिसाब से आपको यहाँ पर अर्निंग मिलेगी। ये अभी तक जितने भी यहाँ पर मार्केट में या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से अभी लेबल अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा है, एंड ये अभी का रेट है, इनका फ्यूचर प्राइस मुझे नहीं पता, चेंज भी हो सकता है। एंड मैं आपको इस पर यहाँ पर लास्ट एक और चीज़ बताऊँ जो कि इन्होंने लॉन्च की है, वो है इनकी स्टूडियो वेबसाइट। इनका एप्लीकेशन भी शायद फ्यूचर में आ जाए प्ले स्टोर पर, लेकिन इनकी जो स्टूडियो वेबसाइट है उस पर ही ये सारा प्रोसेस होगा, आपको डैशबोर्ड उसी वेबसाइट पर मिलेगा, वो यहाँ पर इनका स्टूडियो है विंक म्यूजिक एप्लीकेशन का, ठीक है, studio.wing.in करके है। मैं आपको अभी मोबाइल पर लेकर भी जाऊंगा क्या कैसा कैसा इसका इंटरफेस है जिससे कि आपको क्लियर हो सके। और मैं आपको बता दूं ये जो स्टूडियो है इसके अंदर ही सारा प्रोसेस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सबमिट करने का, सॉन्ग सबमिट करने का, अर्निंग्स आपकी, सब चीज़ इसी के अंदर ही होने वाला है। एंड यहाँ पर मैं आपको बोनस पॉइंट एक देना और चाहूंगा कि जैसे कि मान लो आपने अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कोई अपना सॉन्ग अपलोड किया था विंक म्यूजिक पर या सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर, एंड आपका जो विंक म्यूजिक पर जो है वो आपके किसी दूसरे
बंदे की प्रोफाइल पर आपका सॉन्ग अपलोड कर दिया गया तो आप अपने उस सॉन्ग को अपनी ही ओरिजिनल प्रोफाइल पर ट्रांसफर कर पाओगे विंक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। आपका जब यहाँ पर डैशबोर्ड इनेबल हो जाएगा तो आप उनको मेल कर भी बता सकते हो, डैशबोर्ड से खुद से भी आप अपने सॉन्ग को अपनी प्रोफाइल के अंदर ला सकते हो, आपकी प्रोफाइल पर वो सॉन्ग आ जाएगा जो कि दूसरे बंदे की प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया गया था। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको लेकर चलूंगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर इसलिए क्योंकि अधिकतर बंदों के पास मोबाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल से आप सही से सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या इनकी जो यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट में सारे क्वेश्चन हैं उसके इन्होंने आंसर दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन से आप रिलेट भी कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दूसरे बंदे की प्रोफाइल पर सॉन्ग अपलोड हो गया तो हमें किस तरीके से उसको वापस लाना है, हमें किस तरीके से इनके साथ एग्रीमेंट साइन करना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैं भी क्वेश्चन के साथ आंसर में दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो मैं आ चुका हूँ इनकी स्टूडियो वाली वेबसाइट पर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर FAQs में चले जाना है। FAQs में यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर सी ऑल FAQs में जब जाएंगे तो यहाँ पर इनके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि आपकी हेल्प के लिए या फिर ये आपकी क्या क्या मदद करेंगे जब आप इनके आर्टिस्ट बन जाएंगे या फिर आपका डैशबोर्ड इनेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ द विंक आर्टिस्ट प्रोग्राम, कि विंक का आर्टिस्ट प्रोग्राम क्या है इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। एंड दूसरा है हाउ टू गेट माई सॉन्ग्स ऑन विंक, इसके बारे में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से रीड कर लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपका सॉन्ग्स विंक म्यूजिक पर आएगा या फिर इनका विंक आर्टिस्ट प्रोग्राम क्या है या फिर आप इस पर आर्टिस्ट प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आपका सॉन्ग लाइव क्यों नहीं हुआ है अभी तक या फिर आपका सॉन्ग रिव्यू में है इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें या फिर आप अपनी आर्टिस्ट प्रोफाइल को क्लेम कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस आप आराम से रीड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अपना कोई डिसीजन यहां पर ले सकते हैं विंक म्यूजिक के साथ ज्वाइन होने के लिए। एंड यहां पर नीचे यहां पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कंटेंट की आपकी क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए या फिर टैग गाइडलाइंस क्या हैं, अपडेट अगर करना है आपको अपने कंटेंट तो उसका क्या रिडायरेक्शन है या फिर आपको अगर कोई भी अपना कंटेंट रिमूव करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कर सकते हैं स्टार्टिंग में जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो पाए। तो इतना सब तो मैंने आपको बता दिया, जो जो विंक ने यहाँ पर नए नए फीचर्स इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए लॉन्च किए हैं जो कि बहुत बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है, आपके बहुत फायदेमंद है अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं तो। एंड अब मैं आपको बता दूँ जो मैंने इनके यहाँ पर फीचर्स बताए हैं इन फीचर्स से रिलेटेड मैं 2 वीडियोज़ यहाँ पर और लाने वाला हूँ। पहली वीडियो जो होगी वो होगी आर्टिस्ट प्रोफाइल, अगर आपकी विंक म्यूजिक के अंदर नहीं है तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड अगर आपकी आर्टिस्ट प्रोफाइल पहले से है तो आप उसको किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ उसका वेरिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा आर्टिस्ट प्रोफाइल का। एंड दूसरी वीडियो जो होगी वो हमारी होगी यहाँ पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरीके से इनके थ्रू कर सकते हैं, किस तरीके से एग्रीमेंट होगा एंड किस तरीके से आपका डैशबोर्ड इनेबल होगा, ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों वीडियो में पता चल जाएंगी। ये पहली वाली जो वीडियो है जो आर्टिस्ट प्रोफाइल वाली वीडियो है ये इंपॉर्टेंट देखनी इसलिए है क्योंकि अगर ये वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आपका डैशबोर्ड यहाँ से इनेबल नहीं होगा। जब तक आपकी आर्टिस्ट प्रोफाइल नहीं होगी या फिर वो क्लेम की गई नहीं होगी तो उसको लॉगिन कर ही आपको यहाँ पर डैशबोर्ड इनेबल किया जाएगा। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट प्रोफाइल वाली, आपको या तो आर्टिस्ट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अगर है तो उसको क्लेम करना पड़ेगा जब जाकर आपका डैशबोर्ड यहाँ पर इनेबल होगा, उसके बाद में सारा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होगा। तो ये दोनों वीडियो का जब यहाँ पर मैं ला दूंगा मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वीडियो मैं आपको 24 आवर्स के अंदर पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो तो जरूर से आई जाएगी एक दिन के अंदर एंड दूसरी भी मैं सोचूंगा कि उसी दिन मैं डाल दूं, ठीक है, लेकिन एक तो आएगी आएगी। जब ये दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा एंड बेल आइकन पर भी दे दूंगा। और ये जो दोनों वीडियो है ना, अगर आप विंक म्यूजिक से अपलोड करना चाहते हैं अपना सॉन्ग एंड सभी चीज़ यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं सिर्फ एक ही जगह, कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू नहीं करेंगे, यहाँ पर आप समझ लीजिए डायरेक्ट आपका जो है विंक म्यूजिक के साथ ही जो है वो कनेक्शन है, आप डायरेक्ट उन्हीं के थ्रू यहाँ पर सभी जगह अपलोड करवा पाएंगे। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैं अपलोड कर दूंगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मिस नहीं करना चाहते उन वीडियोस को तो अभी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस सबसे पहले प्रोवाइड मैं करने की कोशिश करता हूं। अगर कभी लेट हो जाए, ये वाली वीडियो मैं अभी तक यूट्यूब पर सबसे पहले अपलोड कर रहा हूं इस चीज़ से रिलेटेड, ये एक्सक्लूसिव टॉपिक था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में सिर्फ इतना बताया था कि मैं कुछ एक्सक्लूसिव लाने वाला हूं क्योंकि मैंने इसलिए रिवील नहीं किया कि बहुत से लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी ना हो पाए सबसे पहली वीडियो मैं अपलोड करूं इस चीज़ से रिलेटेड एंड एक्सक्लूसिव रखूं। आपको भी पसंद आए क्या क्या विंक ने लॉन्च किया है, विंक अभी तक बहुत पीछे चलता था सभी प्लेटफॉर्म से लेकिन अब वो सबसे आगे निकलने वाला है, आप देखते रहना। एंड अगर चैनल पर नए तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, शेयर जरूर से करना उन सभी आर्टिस्ट को जो कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो हो जाएगी। फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जय हिंद और वंदे मातरम।